मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं वसई के दीवान मान तालाब की। यहाँ पर आज डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन हो रहा है और जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर बैठे पूर्व महापौर बात की और वहीं उनके साथ में इस प्रभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त गिलसन गोंसाल्विस से बात की। उन्होंने भी वैसे बताया कि इन मूर्तियों को सिर्फ ये स्थल है यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ से महानगर पालिका के कर्मचारी को ही परमिशन है। छोटे मंडल हो या बड़े मंडल हो या घर का हो, किसी को भी चार से ज़्यादा लोगों को यहाँ इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। और चार लोग भी आएंगे, मूर्ति को बाहर छोड़ेंगे, वहाँ से उसके बाद में महानगर पालिका के जो स्वयंसेवक है ये इन मूर्तियों को जाके विसर्जन करेंगे। इस तरह का कोरोना के मद्देनज़र इस तरह का ये पूरा आयोजन रखा गया है ताकि कोरोना महामारी और न फैले और प्रशासन को वही पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। महापौर साहब क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है, किस तरह से और आज का जो प्रथम विसर्जन है उसमें क्या महापालिका की व्यवस्था है, क्या अपनी पार्टी की व्यवस्था? आपको सभी को पता है कि गए साल से कोरोना महामारी के लिए शासन ने जो गणेशोत्सव के ऊपर निर्बंध लगाया है उसके अनुसार यहाँ आज डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन चालू है। बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से हम लोगों ने टेम्पो में कृत्रिम तालाब निर्माण किए हैं और पंचवटी नाका और माणिकपुर नाका के ऊपर वो टेम्पो खड़े हैं और वहाँ गणपति जो आते हैं तो वहाँ का वहाँ विसर्जन होता है। और भी अगर किसी के घर पर टेम्पो बुलाना है तो 7-8 टेम्पो की भी प्रोविजन बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से की है। यहाँ दीवानमान तालाब के ऊपर विसर्जन की व्यवस्था पूरी वसई विरार शहर महापालिका के ऊपर से हो रही है और सभी कर्मचारी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से विसर्जन कर रहे हैं। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 150 के ऊपर के गणपति का विसर्जन हो गया और भी बहुत संख्या में गणपति आ रहे हैं और अच्छी तरह विसर्जन हो रहा है। कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कोई संदेश नहीं है। कोरोना महामारी के संकट के हिसाब से सब लोगों ने जो शासन ने निर्बंध लगाया है उनका पालन करना चाहिए क्योंकि अभी भी कोरोना का संकट पूरी तरह हल नहीं हो गया है। फ्यूचर में थर्ड वेव भी आ रही है तो उसके हिसाब से अगर सब लोगों ने पालन किया तो निश्चित रूप से कोरोना हट जाएगा। क्या करेंगे आपके प्रभाग, इस प्रभाग एच में किस तरह की व्यवस्था गणपति विसर्जन के लिए की गई है और जिसमें प्रशासन को भी दिक्कत ना आए, जनता को भी दिक्कत ना आए, ऐसा क्या महापालिका ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है? कोरोना की महामारी के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो निर्बंध लगाया है उत्सव होना चाहिए लेकिन वो उत्सव कुछ निर्बंध लगा के आप सेलिब्रेशन करो, वो हिसाब से हम लोग ने आयुक्त साहब ने जो विसर्जन का टाइम है वो 8 बजे तक के लिए सीमित किया है। हम लोग पब्लिक को यही आह्वान करेंगे कि आप 8 बजे के पहले आके यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न करें। इसमें क्या होएगा कि भीड़ कम होगी, कोरोना का संकट अभी तक टला नहीं है, इसके लिए जो निर्बंध लगाया है वो हिसाब से अगर सहयोग कर रहे हैं, पब्लिक गए साल में भी यही सिस्टम से हम लोग ने किया था और अच्छी तरह से सपोर्ट किया था पब्लिक ने, इसी साल भी हम लोग को अपेक्षा है पब्लिक से और हो रहा है अच्छी तरह से सिस्टमेटिक से तरह से। प्रभाग में कुल कितने विसर्जन स्थल बनाए गए? ये प्रभाग में 2 जगह पे है, एक दीवानमान है और एक उमेड़मान है, लेकिन सबसे ज़्यादा विसर्जन तो दीवानमान तालाब के होता है। पब्लिक को क्या आह्वान करना चाहिए? पब्लिक को यही आह्वान करेंगे, महामारी का संकट अभी टला नहीं है, शासन ने जो निर्बंध लगाया है उसका पालन करें, उसका पालन अच्छी तरह से करेंगे तो आने वाली थर्ड वेव को हम लोग रोक सकें। और एक तरीके आपने कहा है कि 8 बजे तक का आयुक्त साहब ने टाइम्स में मेंशन किया, आने वाले दिनों में जब बड़े बड़े मंडल के गणपति जब विसर्जन के लिए आएंगे तब भी वो टाइम वही रहेगा? नहीं, वही 8 बजे तक का ही टाइम है। अभी क्या बड़े पंडा जो मंडल है उन्होंने भी उनका जो 10 दिन का जो काल था वो अभी कम करके कुछ लोग 1.5 दिन में आ रहे हैं, कुछ लोग 5 दिन में उसका विसर्जन कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मंडल के लोग। एक आखिरी सवाल, घरगुती गणपति विसर्जन के लिए कितने लोगों को परमिशन है अंदर आने की और मंडल के लिए कितने लोगों को परमिशन? नहीं, सबके लिए एक ही नियम है, 4 आदमी लोग को हम लोग ने अलाउ किया है, 4 लोग लेकिन वो अंदर किसी को हम लोग नहीं ले रहे। अच्छा, ये प्रमाण से इसमें नहीं लेंगे 4 आदमी? हाँ, वो आएंगे वहाँ पे, हमारे आदमी लोग तैनात है, वो आने के बाद वो मूर्ति को वहाँ पे टेबल पे रखेंगे, वहाँ से हमारे आदमी लोग
तालाब की तरफ विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।